ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। जो छोटी बहन हमसे थी वो ट्रांस में जाने लगी, तो वो बताती थी कि ऊपर में ऐसे ऐसे देखा, जो बाबा यहाँ दिखते हैं त्रिमूर्ति में या झाड़ में वो ऐसे वहाँ थे, तो जो उसको स्वर्ग वैकुंठ दिखता था वो सब बताती थी। तो चूँकि पिताजी ने तो लखनऊ में देखा था, संतमणि दादी भी संदेशी थी, तो दादी जो भोग लगाती थी, वतन का संदेश सुनाती थी, वो सब देखा हुआ था, तो उनको समझ में आ गया कि हाँ ये ध्यान में जाती है। फिर भोग लगाना शुरू हो गया कि ऐसे बाबा को भोग लगाना है योग में, तो भोग लगाना शुरू हो गया। जब सब गाड़ी अच्छी तरह चलने लगी, आके कहती है कि बाबा ने वतन से कहा है कि मैं कानपुर आ रहा हूँ और तुम लोग को मिलना है तो आ जाओ कानपुर। अब कैसे विश्वास करें, कहाँ से पूछे आ रहा है बाबा, कहीं से कोई लिंक नहीं था। फिर उसी को हमारे पिताजी ने कहा जाओ दोबारा, फिर तुम बाबा से पूछो कब आ रही है और कहाँ आ रहे हैं कानपुर में। तो बाबा ने तारीख और एड्रेस पूरा उसको नोट करा दिया और उसकी मेमोरी में फीड हो गया, आके उसने एड्रेस बताया, लोकेशन बताया कि कानपुर में बाबा कहाँ आएंगे और तारीख बता दिया, कहा इसी पते पे मिल लेना। अब तो और खुशी कि बाबा से मिलेंगे, ब्रह्मा बाबा से मिलेंगे। जब हम लोग पूरी तैयारी करने लगे, अब गांव वालों के ऊपर तो कब जबरदस्त बंधन आया, वो कैसे आ सकते हैं, पर वो बैठ के रोए कि नहीं हमको ले चलो, अपने आंसू बहाए तो कैसे ले चले। फिर वो उसको भेजा जाओ बाबा से पूछो, मैंने रोज़ एक संदेश वो लेके जाती थी, बल्कि दिन में दो बार पिताजी कहें बैठो योग में, जाओ बाबा से पूछ के आओ। तो बाबा ने कहा नहीं सबको ले जाओ, सबको ले आओ, सब मेरे बच्चे हैं, किसी को छोड़ो नहीं, पर इनके घर वाले तो इनकी टांग तोड़ देंगे, हमारे से भी विरोध करेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छा देखो कैसे ऊपर से गाइड किया डायरेक्ट, तो बाबा गाइड भी है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा करो, गांव में देवी का मंदिर है जहां हम स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे भागवत हो रही थी और आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन में शाम को 9 बजे देखो बाबा वतन से बता रहा है, जब आरती होगी तो सारा गांव चला जाएगा आरती में, और जब आरती होगी तो तुम लोग घर छोड़ के निकल लेना रात को 9 बजे, जनवरी का महीना। अभी वहाँ की जो साधन सुविधा थी कन्वेंस, बैलगाड़ी थी हमारे पास, लेकिन बैलगाड़ी चलाएंगे तो सबको पता चल जाएगा तो और सब विरोध करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बैलगाड़ी से नहीं आना है, पैदल आओ और जहाँ भागवत हो रही है वही हमारा रूट निकलने का। तो बाबा सब तो पकड़ लेंगे, गांव वाले कैसे आएंगे। तो बाबा ने कहा वो रास्ता छोड़ दो। तो जो बस स्टैंड था वो 3 किलोमीटर दूर था और रेलवे स्टेशन था हमारा करीब 6-7 किलोमीटर दूर। बाबा ने कहा दोनों नहीं पकड़ना है, क्योंकि गांव वाले तो पहुंच जाएंगे फटाफट साइकिलों से इधर उधर, तो वहीं पर घमसान करेंगे, तो क्या करें बाबा। तो फिर बाबा वतन से कहते हैं कि तीसरा रास्ता ले लो आउट ऑफ वे एकदम। तो वो जो रेलवे स्टेशन है वो 35 किलोमीटर दूर था और उसके लिए कोई सोच भी नहीं पाएगा, ढूंढ भी नहीं पाएगा, वहाँ तक कोई पहुँचने का संकल्प भी नहीं कर पाएगा। अब निकले तो कैसे, तो बाबा ने कहा साइकिलों पे अपने अपने बैग रखो, उसमें कपड़े रखो। तो 3-4 भाई लोग साइकिलों पे तो सर के बैग थैले लटका लिए और सब लोग पैदल चले आओ। हम लोग 9 बजे निकल लिए बाबा के बताए हुए रूट से। जनवरी का महीना था, कड़कती ठंडी थी और रात को निकल पड़े। जब निकल पड़े जो रूट बाबा ने बताया, तो रात भर चलते रहे, लेकिन चांस की बात है, कहते जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पहरेदार सब सो गए थे, कोई भी जिस गांव को क्रॉस करते थे, रास्ता सड़क तो थी नहीं, पगडंडी रास्ते थे, तो यहाँ तक कि उस गांव के कुत्ते भी सो गए थे।
अगर रात को निकले तो गांव में कुत्ते ही भूखने लग जाते थे, तो लोग सोचेंगे आधी रात को जरूर चोर आए होंगे, सब गांव वाले निकल पड़ते थे। डर में एक कुत्ते ने भी पुख से आवाज़ नहीं की और सोने वालों की नींद नहीं खुली, और रास्ते में बगिया भी पड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन एक जो लगन कहते बाबा की लगन में मंगन, लगन सारे विघ्नों को पार कर देता, वो अनुभव किया। कोई संकल्प नहीं आया कि इस बगिया में अंधेरी रात में कोई शेर बघर्रे मिल जाएंगे, चीते बालू मिलेंगे, भेड़िया मिलेगा, कोई संकल्प नहीं, या कोई आंधी तूफान आए तो डाल टूट के गिरेगी, कोई संकल्प नहीं। और अनजानी बगिया में सबसे बड़ा डर तो लोगों को भूतों का लगता है कि भूत पर इतना हो वही न चिपट लें, कोई भी किसी प्रकार का संकल्प नहीं, जैसे दिमाग में है ही नहीं कि भूत तंग करेगा, कि आंधी तूफान होगा, कि सांप पैरों को आके लिपटेगा, जंगलों से बना बगिया से घास फूस से पगडंडी रास्ते से निकलते पार हो गए, या तो गांव मिले या बगिया मिले या खेत मिले, चलते 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 सवेरा हो गया। तो आप सबने सुना होगा कि एक जगह है रुधौली, वो 35 किलोमीटर दूर था, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो हमारी बुआ का घर था, स्नान पानी किया, और तब एक ट्रेन मुश्किल से पैसेंजर चलती थी दिन भर में कहीं के लिए, तो वो गाड़ी लखनऊ से कानपुर, वहाँ रुधौली से कानपुर आने वाली थी, नहीं लखनऊ, लखनऊ से चेंज करके कानपुर आए पैसेंजर गाड़ी, वहाँ से लखनऊ। तो हम लोग बैठ लिए, अब वो ट्रेन के अंदर हमारे लखनऊ वाले चाचा जी भी सब आ गए, उनका भी तय हो गया था, तो वो परिवार, हमारा परिवार, गांव वाले करीब 12-15 लोग थे, जिसमें ये हमारे जो रामनिवास भाई खुदा का खत वगैरह बेचते थे ना लिटरेचर में, ज्ञानामृत में, ये भी थे। तो सब लोग ग्रुप में आ गए। तो जब आ गए तो वहाँ से फिर ट्रेन पकड़े लखनऊ तक आए, और वो ट्रेन तब ऐसी होती थी ना उसमें शीशा ना उसमें कोई विंडो, विंडो खुला होता था, और कोयले का इंजन, जब गाड़ी छुक छुक करके चलती थी तो धुआं उड़ाती थी, और वो सारा धुआं विंडो से बोगी के अंदर आता था, तो ऐसे लगता था काले 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 धुआं में सब कोयला झोंक के आई है, चेहरा भी काला, कपड़ा भी काला, सब कुछ काला। फिर लखनऊ से बदली किया तो वहाँ से कानपुर आए, जो पता बताया था, फिर रिक्शा कर करके वहाँ पहुँच गए। वो तिलक नगर में माताजी बाबूजी का बंगला था, तो वहाँ हम लोग पहुँच गए, इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा बंगला, क्या आलीशान भपका उनका। खैर हम लोग अंदर तो चले गए, अंदर गए लान में बैठ गए, तो जब लान में बैठ गए तो सबको अजीब सा लगा, ये कौन आ गए एकदम देहाती, क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कोई हमें नल मिला या कपड़ा चेंज करें। जब हम लोग पहुँच गए तो बस सब एक प्रश्न करें, आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तो जैसे वो नहीं सुदामा पहुँच गए थे तो उनके जितने दरबान हैं वो घुसने नहीं दे रहे थे, तो पक्का रोल जो था वो हम लोगों का था। तो सब इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, तुमको बाबा ने बुलाया है। तो ये कहते थे हमको बाबा ने बुलाया है, हम आए हैं। किसके द्वारा आए हैं? डायरेक्ट बाबा ने बुलाया है। कोई बहन की चिट्ठी लाए हैं? नहीं, चिट्ठी कहाँ से लेंगे, तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि बिना टीचर की चिट्ठी तो कोई तवज्जो नहीं देगा। तो पहुँच करके दिन भर बैठे रहे, हम लोग भी हटने वाले नहीं, तो यही कहते थे आप बाबा को बता दीजिए, अगर बाबा नहीं मिलेंगे, कोई कहे ऐसे कैसे आपसे बाबा मिलेंगे, तो हमने कहा नहीं मिलेंगे तो हम लोग वापस चले जाएंगे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि जिसने बुलाया है और वो कह दे चले जाओ तो हम खुशी से वापस चले जाएंगे, लेकिन बिना मिले तो नहीं जाएंगे, बाबा कह दे हम चले जाएंगे। तो आखिर दिन बीत गया, तो दिन में भोजन, जितनी पार्टियाँ बाहर के शहरों की आई थी बाबा से मिलने, सबका भोजन लान में था, पट्टी बिछा के खिलाया सबको, तो हम लोगों ने भी खा लिया। तो उसमें एक मिश्रा भाई जी थे, जो हम उनके मना जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हमारे पिताजी बने थे, तो उनके गांव के बने थे, तो वो मिश्रा जी जानते थे कि वही हैं पहचान में,
तो मिश्रा जी को उन्होंने कहा चलो सब लोग भोजन कर रहे हैं, आप भी भोजन कर लो। फिर हम लोगों ने भोजन किया, शाम की क्लास बाबा ने कराया, क्लास भी किया, लेकिन बाबा तो क्लास करा के संदली सुट के अंदर चले गए, बाबा तक कैसे पहुँचेंगे। रात 9 बज गया और दीदी, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी थी, सभी थी, कहे भाई जाओ कहाँ जाए। हमने कहा जाए कहाँ, आए बाबा से मिलने तो जाएँ कहाँ बिना मिले, हम तो यहीं रहेंगे। बड़ी मुश्किल उनके लिए। तो फिर बड़ी दीदी ने जाके बाबा को बताया कि बाबा ऐसा ग्रुप एक आया हुआ है और सुबह से आया है और ऐसे ऐसे वो कहते हैं हमको बाबा ने बुलाया है। इतना जैसे कहा बड़ी दीदी ने, उसमें सब दादियाँ बैठी थी वहाँ पर, मनोहर दादी, बड़ी दीदी, शील इंदिरा दादी, और वहाँ साउथ की बेंगलोर की टिक्कन दादी जी, हृदय पुष्पा दादी, मना ये दादियाँ सब बाबा के आगे बैठी थी और बाबा नीचे गद्दी पे ज़मीन में बैठे थे, सब आगे बैठी थी। फिर जो है बाबा ने तुरंत जैसे सुना, बुलाओ 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 बच्चों को, बुलाओ कहाँ है मेरे बच्चे, बुलाओ। फिर दीदी ही बुलाने आई, चलो 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 बाबा बुला रहा। तो बस आप समझ लो उस समय की खुशी। हम लोग गए ऐसे अत्र चंद्रमा में, पूरे सब लोग बैठ गए बाबा के आगे। बैठे, बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा ने पूछा बच्चे कैसे आए, क्या हुआ, सारा समाचार सुना दिया। अच्छा बच्चे इतना पैदल किया है तो पांव तो थक गए होंगे। अच्छा उस समय हवाई चप्पल चलते थे, हवाई चप्पल पहन पहन के चले थे हम लोग। तो बाबा ने कहा, मैं आगे थी बीच में, मुझे बीच में रखा और साइड से और सब भाई बहन बैठे। तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे अपना पैर तो दिखाओ कितना सूजा है। दोनों पांव जैसे सूज के कछुआ बन गए थे, कभी चले ही नहीं 35 किलोमीटर, वो भी ठंड के दिन में। तो बाबा ने कहा अच्छे बच्चे मेरे आगे पैर करो। जब मैंने आगे पैर किया तो बाबा हाथ बढ़ा के आगे आए, कहा शास्त्रों में सुना है कि भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए। तो हम कुछ नहीं बोले, कहा बच्ची तेरा पैर मैं दबाता हूँ, और ठीक कर दिया बाबा ने। कहाँ सूजन चली गई, बाबा का हाथ लगते ठीक हो गया थोड़ी देर में।